एक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। शनिवार को यहाँ के प्रसिद्ध कार्मेल स्कूल में एक बच्चे की अचानक हुई मौत से पूरे शहर में कोहराम मच गया। बताया गया कि धरियाडी निवासी अनूप ड्रोलिया का 14 वर्षीय पुत्र अनीस कुमार अचानक खेलते खेलते बेसुध होकर गिर पड़ा। मामले की सूचना स्कूल प्रबंधन की ओर से स्थानीय चिकित्सक विकास माथुर को दी गई। सूचना मिलते ही चिकित्सक विद्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच पड़ताल के बाद चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बच्चे को जब प्लेग्राउंड में खेल रहा था तो वहीं पे वो बेहोश हुआ और हाथ पैर उससे नहीं चल रहे थे। मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, मैं जीडी बगड़िया में कार्यरत हूँ। जीडी बगड़िया से मुझे आने में 5 मिनट लगा होगा। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक बच्चा ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है। मैंने उसे CPR दिया। 10 मिनट तक CPR देने के बावजूद अब बच्चे को होश में नहीं लाया जा सका, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली उसे डेथ डिक्लेयर करना पड़ा। क्या हुआ? बच्चा वहाँ पे शायद कुछ खेल रहा था, फुटबॉल वगैरह जैसा कि हम लोग बता रहे हैं। और हालांकि वो पुराना, उसका एक हिस्ट्री है कि उसको कार्डियक सर्जरी हुई थी 1.5 साल की उम्र में, उसके हार्ट में छेद था और उसकी ऑपरेशन नारायण हृदयालय बेंगलोर में की गई थी। और उसके बाद बच्चे के की हिस्ट्री के बारे में स्कूल अथॉरिटी को नहीं बताया गया था, जिस वजह से उसे खेल कूद नॉर्मल कर रहा था। और इस शायद यही कारण रहा होगा कि इतनी बड़ी मैसिव हार्ट अटैक का। मामले की जानकारी मिलते ही परिजन भी विद्यालय पहुंचे और बच्चे का शव देखते ही तमाम नाते रिश्तेदार दहाड़ मार कर रो पड़े। पिता के करुण चित्कार से माहौल गमगीन हो उठा। घटना को लेकर पुलिस भी विद्यालय में पहुंची। यहां DSP संतोष मिश्र भी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। बताया गया कि बच्चा हृदय रोग से ग्रसित था और उसका इलाज अन्यत्र कहीं चल रहा था। शनिवार को अचानक बच्चे को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। घटना से विद्यालय परिवार भी शोकाकुल हो उठा है। चाबी घर का नहीं है? अच्छा, आपको हाँ बाइक से भी बाइक से। ग्राउंड में खेल रहा था बच्चा, तो अचानक वालों पर सडन गिर गया। बच्चे स्कूल ने हम लोगों को और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर आए, देखे, अपना ट्रीटमेंट वगैरह देने की कोशिश की, लेकिन थोड़े आए नहीं। बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ हार्ट प्रॉब्लम था, माइनर होल, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है, अच्छी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और डॉक्टर देवी सेट्टी के द्वारा खुद ट्रीटमेंट करके पूरा क्लीन चिट किया हुआ और मतलब फुल एंड फाइनल फिट है इन एवरी एस्पेक्ट। कहीं से कोई इसके ऊपर फाउंडेशन नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मतलब एकदम नॉर्मल बच्चा और एकदम फिट और मीन्स एक्टिव इन एवरी फील्ड। आप किसी को ब्लेम दें? नो, नथिंग, कभी किसी को ब्लेम नहीं। क्या लगता है इसमें आपको सर? कुछ नहीं, कार्य करे इसको। क्या नाम है आपका सर? मेरा बिपिन जैन। कौन ये बच्चे का क्या नाम था? अनीस गोलिया। बोला नहीं, क्या बोलता है? ठीक है, साथ में खेला बहुत अच्छी मिला।